काम निपट गया, मेंबर से मेरी बात हो चुकी है, चलिए चलते हैं खाना बनाने के लिए, उसके बाद से आप लोगों से मैं बात करूंगी। चलिए देखते हैं आज डिनर में क्या बनाना है, उसके बाद मैं मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है, बाय। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। अब मैं यहाँ पर बना रही थी खाना, तो मैंने कहा आप लोग के सामने शेयर कर देती हूँ, बिकॉज ये जो दाल है बहुत अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है, आपके हेयर के लिए भी बहुत बढ़िया है, तो इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे पहले मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ दाल वाल, और वैसे तो हम लोग सफोला ऑयल यूज़ करते हैं खाना पूरी वूरी के लिए, और पूरी बहुत कम बनाती हूँ मैं, महीने में एक बार बन जाती है तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज़ नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत कम बनाती हूँ, ऑयली फूड मुझे बहुत कम पसंद है। हाँ, स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने एक पिंच अपना डाल दीजिए अपना हींग, और हींग थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा इसमें। और आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे से पूछे थे कि आप हींग क्यों डालते हो सब्ज़ी में, तो हींग बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, गैस हो रही होती है पेट में आपके, आपका जैसे पेट साफ़ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक अनियन, 4 से 5 आपका हरी मिर्च, और एक गार्लिक डाला हुआ है इसमें, और आपका 1 इंच टुकड़ा अदरक का डाला हुआ है, उसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद से इसको हम थोड़ा सा सुनहरा होने तक का भून लेंगे, और उससे पहले हम थोड़ा सा अपना काम करते रहेंगे जब तक ये सुनहरा होता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे का क्या काम है, क्योंकि ऐसे ही आप लोग के साथ मैं ब्लॉग शेयर करती रहूँगी मैं, तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मेरा भी काम होता जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को बर्तन धोने थे, तो मैंने कहा चलो बर्तन धो लेते हैं। एक कमेंट आया था, उन्होंने नेगेटिव वे में कमेंट नहीं किया था, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी आप पानी वेस्ट करते हो, तो बाबू पानी वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, पानी जो होता है ना, जैसे हम वॉशबेसिन में बर्तन धोते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है कि पानी जो होता है ना, जैसे हम खाना वाना बना रहे हैं या कुछ चीज़ चली जाती है, तो हमें ना नल चलाना होता है, क्योंकि पूरे टाइम तो देखो बंद रहेगा ये, जब आप बर्तन धोगे, जब आप कोई चीज़ धोगे, तभी तो आप इसको खोलोगे, तो आपकी जो पाइप होती है ना, जो सिंक होती है, जो सिंक की पाइप होती है, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपके किचन में ना स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हफ्ते में यहाँ पर एक से डेढ़ ढक्कन के करीब आपका तेजाब और क्या बोलते हैं इसको, फिनाइल होती है ना, लिक्विड वाली फिनाइल, वो डाल देती हूँ, और उसके बाद से थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड कर देती हूँ, इससे क्या होता है पूरी नाली जो होती है आपकी, जो आपकी सिंक वाली जो पाइप होती है इसकी, जो वो पूरी साफ़ हो जाती है, तो इसलिए मैं पानी खोल कर देती हूँ। मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ माता रानी की दी हुई चीज़ें हैं, और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं बहुत कम ही पानी यूज़ करती हूँ, जितनी नीड होती है उतनी, ठीक है। तो इसलिए मैं पानी यहाँ पर खोल रही थी, और आप लोग के साथ में मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में ये क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि क्लियर कर देते तो सही रहता है। उसके बाद ये जो डब्बे वगैरह हैं, इसमें मैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ चाय वाय के साथ में स्नैक्स वगैरह रख लेती हूँ, जैसे नमकीन बिस्किट हो गए, एक में आपके मखाने वगैरह हो गए, सारी चीज़ें रख लेती हूँ। और उसके बाद से मैं यहाँ पर ये सारे बर्तन वगैरह धो रही थी, धोने के बाद से अब मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगी कि सब्ज़ी में आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। तो ये मेरी दाल थी, ठीक है, आपकी लौकी की और चने की दाल है, ये बहुत टेस्टी बनती है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा सुनहरा सुनहरा सा कलर आ गया है इसमें, तो बस हमें यही कलर चाहिए। और उसके बाद से इसमें हम 2 टमाटर डाल देंगे बड़े साइज़ का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, तो यहाँ पर हम ये डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको स्टर कर लेंगे, और इसके थोड़ा सा इसको हम सॉफ्ट होने देंगे, और इसमें हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, फ्लेम जो है हमारा उसको हम लो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से हमें इसमें डालनी है कुछ मसाले, तो हम वो मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने डाला है सबसे पहले सौंफ पाउडर, जिसे हम फेनल सीड बोलते हैं इंग्लिश में, और सौंफ पाउडर इसमें आप डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आपको यहाँ पर ये डालना है। उसके बाद से आप यहाँ पर कोई भी अपना फेवरेट मसाला डाल सकते हैं। उसके बाद से मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब आपका टर्मरिक पाउडर डाल दिया है, और कृष्णा लेकर आए हैं कलछुल वगैरह खेल रहे हैं लेमन लेकर के, उसको कहता है बॉल, कोई भी चीज़ गोल देखेगा उसको बॉल कहेगा। उसके बाद से मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब आपका गरम मसाला डाला है, 1/2 टी के करीब ही, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाल दिया है आपका किचन किंग मसाला, जो सब्ज़ी मसाला होता है वो, ठीक है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद से इसमें हम थोड़ा सा पहले नमक डाल देंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे और सारे अच्छे से मसाले वगैरह एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो जो आपकी जो भी चीज़ आप बनाते हो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो आज थोड़ा सा व्लॉग में लेट हो गया, और देखते हैं कितनी देर में भी अपलोड होता है, क्योंकि 23:27 हो रहा है इस समय, और मैं अभी इसमें वॉइस ओवर करना स्टार्ट करी हूँ। अब देखती हूँ कितने देर में अपलोड होगा, आप लोग रोज़ वेट करते हो मुझे पता है, अब टाइम नहीं मिल पाता है गाइस, बस रात का ही टाइम होता है, और रात का भी टाइम फ्री नहीं होता, संडे का भी फ्री नहीं होता, और इस समय का तो फ्री होता ही नहीं है, तो बस वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी जो दाल है अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया सी बन गई है, और अब इसमें हम थोड़ा सा ढक्कन लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएँ, जो मसाले हैं वो भी पक जाएँ, है ना। और उसके बाद से यहाँ पर जो बर्तन मैंने मांजे हुए थे उनको मैं बस पानी के साथ में वॉश कर लूँगी, हटा दूँगी, और उसके बाद से आप लोग के साथ में ब्लॉग शूट करके शेयर करने के बाद मैं बनाती हूँ। दूध वगैरह गर्म करना होता है, हम और
पीयूष जो है लेते हैं मैंगो शेक, और पापा और आशीष जो है वो ले लेते हैं अपना दूध, और बस वही सारा कुछ बनाकर वीडियो बनाकर शूट करके एडिटिंग वगैरह करके फिर सोती हूँ, तो मेरे को तो टाइम लग जाता है सोने में। बाकी आप लोग के लिए ब्लॉग डाल देते हैं जिससे कि आप लोग ब्लॉग वगैरह अच्छे से देखें और आप लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करें। आप लोग के साथ में डेली रूटीन शेयर करना अच्छा लगता है मुझे भी, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, तो ब्लॉग आप लोगों के लिए रात में ही आते हैं, तो आप लोग उसको एज अ सीरियल समझा करिए, आप लोग सोचा करिए हाँ टीवी सीरियल का एक शो ही है, तो बस मैं शेयर कर देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी आपका ब्लॉग नहीं आया, आप ठीक तो हो तो ब्लॉग नहीं आता है, तो आप लोग ऐसे बोलने लगते हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इतना मेरा ध्यान रखते हो। अब यहाँ पर मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, इसको हमने 2 मिनट के लिए लिड लगा दिया था लो फ्लेम पे, और अच्छी तरीके से इसको हम चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दाल है चने की, इसको मैंने सुबह में भिगो दिया था, 2 बजे के करीब भिगो दिया था, और जब मैंने तड़का लगाया था इसको दाल को बनाया था तब मेरा 10 बज रहा था। तो आप लोग इसको भिगो दीजिए और एक लौकी को कट कर लीजिए, धो लीजिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, उसके बाद इसमें डाल दीजिए थोड़े देर के लिए, इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही ढक करके पकाना है ना, जिससे इसमें मसाले अच्छे से मिल जाएं और ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, उसके बाद से हम इसमें अलग से जो चीज़ें होती हैं हमारी जैसे पानी वानी हो गया, धनिया वगैरह हो गया, आप वो डाल दीजिए, ठीक है, गार्निशिंग कर दीजिए इसकी। बस यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए लिड लगा दिया है, और 5 मिनट में मैं अपना यहाँ पर कैरेट वगैरह जो भी है आपके पास सैलड वगैरह के लिए आप वो कट कर लीजिए। तो सैलड तो वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं था मेरे पास, केवल कुकुम्बर था, तो मैंने यहाँ पर यही कट कर लिया बिकॉज़ लॉकडाउन चल रहा है और आशीष लेट आए थे, जब ये आते हैं ऑफिस से तो 5:30-6 बज जाते हैं, तो यहाँ पर दुकानें जो होती हैं ब्यास में, बहुत सारे लोग होंगे पंजाब में, तो पंजाब में ना नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, मतलब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बंद किया हुआ है, तो कोई चीज़ मिल नहीं रही है यहाँ पर, तो दिक्कत हो रही है। हाँ अमेज़ोन से चीज़ें आ सकती हैं आपकी, आपका purple.com से चीज़ें आ सकती हैं, तो बस वहीं से हम मंगा लेते हैं। purple.com पे तो आपका मेकअप का ही सामान है और तो कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। आपका दिल्ली वगैरह लॉकडाउन में भी आप लोग मंगा सकते हो, जैसे दिल्ली में हो आप, अगर आप लखनऊ में हो तो अच्छा है, वहाँ से आप चीज़ें मंगा सकते हो क्योंकि वहाँ पर बिग बास्केट वगैरह अवेलेबल है, तो बिग बास्केट पे तो सारी चीज़ें ईजी वे में मिल जाती हैं, आप लोग मंगा सकते हैं जो लोग लखनऊ से होंगे और जो लोग दिल्ली वगैरह से होंगे जहाँ भी बिग बास्केट की सर्विस है। आप लोग को पता है बिग बास्केट बहुत अच्छी ऐप है, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे आप बिग बास्केट का ऐड कर रहे हो कि आपको पैसा मिल रहा है क्या, तो मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग की हेल्प कर रही हूँ लॉकडाउन में, ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने कैरेट कुकुम्बर अच्छे से काट लिया है, कैरेट कर दिया थी दिन भर, कैरेट का वो बनाया था ना हलवा बनाया था और कैरेट का जूस बनाया था थोड़ा सा रखा था, तो आज मैंने सुबह में अपने लिए दोपहर में कैरेट का जूस बनाकर पिया था, तो बार बार कैरेट ही आ रहा है दिमाग में और मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, कैरेट सारा दिन कैरेट करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कितने कुकुम्बर काटे थे, आई थिंक 2 कुकुम्बर काटे थे क्योंकि सैलड मुझे चाहिए होते हैं, हरे हरे से सैलड अच्छे लगते हैं ना ग्रीन वाले, तो आप लोग भी खाया करो, ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हो आप इसमें, थोड़ा सा आप अपनी मूंग की दाल हो गई, आपका क्या बोलते हैं इसको मेथी होगी, इसको भी आप स्प्राउट ही बना करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और जो आपका क्या बोलते हैं इसको गाइस मुझे याद ही नहीं आ रहा है, हाँ फेन्युग्रीक जो होता है ना उसका अगर आप स्प्राउट बनाते हो ना तो वो बालों के लिए तो बहुत अच्छा होता ही होता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये 5-10 मिनट हो गया था, 5-6 मिनट हो गया था, सॉफ्ट हो गई है सारी चीज़ें, इसमें मैं पानी डाल दूँगी, डेढ़ ग्लास के करीब या फिर 2 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे इसमें बढ़िया से, और उसके बाद से इसका हम लेड लगा देंगे चलाने के बाद से। आप अपना कुकर देख लें आपका कुकर कितना बड़ा है, पता नहीं मुझे ये कितने लीटर का है क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने ही दिया था, तो बस यहाँ पर ये बन गया। तो चलिए देखते हैं कृष्णा की पढ़ाई। क्या है कृष्णा, एप्पल वाला पूछे क्या है, दिखाओ ये क्या है, ये बॉल है और इसके बैक साइड दिस वन ये क्या है, मैंने गलती से काइट बता दी, सो वैसे काइट ही पढ़ लेते हैं, नहीं कोई नहीं, के है तो कैसे ही, किंग किंग राजा, लीफ, गुड बॉय, व्हाट इज दिस, चलो कृष्णा की स्टडी स्टार्ट हो गई है गाइस, आप लोग देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस,
No, just tell me, what is this? What is this? Huh? What is this? Thank you. What is this? Oh, great! What is this? What is this? Goat. No, this is goat. And this is horse. Thank you. And what is this? Watch. This is watch. Watch. And what is this? What is this? Ball. This one? Ball. Yes, this is ball. And what is this? Sunflower. Toy. Daddy. Daddy. Yeah. What is this? Leaf. Leaf. And what is this? Skin. What is this? Zebra. It's a zebra. 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 This is watch. X-ray. What is this? Okay, Krishna, tell me what is this?